हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं मुकेश चौधरी और आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लाता रहता हूं जयपुर शहर में शानदार से शानदार प्रॉपर्टीज़। देखिए, एक जो चीज़ है, आज हम लोग काफ़ी दिनों सोच रहे थे, 10-12 दिन से हम लोग ट्राई कर रहे थे कि एक आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ लेके आएँ जिससे कि आपकी और हमारी बीच की जो दूरी है वो कम हो और ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाए। हम लोग अभी जो सिस्टम चालू करना चाह रहे हैं वो ये है कि आप कहीं भी जयपुर में प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो, हमारे थ्रू या कहीं पर भी कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ ब्रोकर फ्री हो, ब्रोकरेज फ्री हो। वो कैसे हम लोगों ने शुरू किया है, आपके लिए एक ऐसी हेल्पलाइन नंबर चालू हमने किए हैं जो कि आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहे होंगे। उन पे आप कॉल करेंगे, हमारे प्रतिनिधि कॉल का जवाब देंगे, आपसे जानेंगे कि आप कैसी प्रॉपर्टी जयपुर शहर में ढूंढ रहे हैं, उसके मुताबिक जो जो आपके मैच खाते हैं आपको प्रॉपर्टीज़ बताई जाएगी। उसके बाद में सीधा जो है आपकी मीटिंग बिल्डर से होगी, कोई भी बीच में आपसे संपर्क नहीं कर पाएगा, ना किसी को बीच में लाना है, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। देखिए, ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी लाइन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा भी मैं आपको बताता हूँ, हमारे मिलवाने के बाद में भी सभी दस्तावेज, सभी डॉक्यूमेंट्स आप अच्छी तरीके से चेक कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है। मकान सिर्फ सपनों का घर होता है, वो एक ही बार मुश्किल से खरीदा जाता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। दूसरी चीज़, एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करूँगा, आप हमारे वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, ये लगातार कीजिए, क्योंकि हमें बहुत खुशी मिलती है आपके सपोर्ट से। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आगे की, तो ये जो चीज़ है अपन जो करने जा रहे हैं, ये जो ब्रोकरेज फ्री सिस्टम, इसकी आप लोगों की मदद होगी तभी हम लोग कर पाएंगे, आप हम पे विश्वास रहेंगे तभी ये चीज़ हो पाएगी। अभी इस चीज़ का पूरा पूरा सपोर्ट कीजिए। इसके अलावा जो कमेंट्स आप जरूर कीजिए, कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, क्या पर्पज़ है आपका वीडियो देखने का, आप इंट्री के लिए देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए देख रहे हैं, या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए देख रहे हैं, वो कमेंट करके बताया कीजिए। साथ साथ में आप बताया कीजिए कि किस लोकेशन से आप देख रहे हैं, उससे हमें और ज़्यादा खुशी होगी कि आप हमारे साथ में इंगेज्ड हैं। अब बात करते हैं जो आज हम प्रॉपर्टी आपको दिखाने वाले हैं, वो एक 4-बेडरूम अपार्टमेंट होने वाला है। अब बात करते हैं सभी चीज़ों को छोड़ के इसी के बारे में, बाकी चीज़ें अगले वीडियो में और डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तो देखिए, जो ये अपार्टमेंट होने वाले हैं उसका नाम है JC हाइट के नाम से अपार्टमेंट होने वाले हैं। ये JC बिल्डर एंड डेवलपर के द्वारा यहाँ पर जयपुर में डेवलप करे जा रहे हैं, जो कि जाना माना बिल्डर माने जाते हैं जयपुर शहर के। यहाँ पर अगर अपार्टमेंट्स की बात करूँ मैं, तो एक फ्लोर पर सिर्फ 3 ही अपार्टमेंट होने वाले हैं, और तीनों ही अपार्टमेंट 4 BHK लवीस अपार्टमेंट यहाँ पर होने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे किस किस साइज़ के होने वाले हैं, 1565 स्क्वायर फीट से लेके लगभग 905 स्क्वायर फीट तक की ये साइजेज में आपको अपार्टमेंट मिलने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एमिनिटीज़ की बात की जाए, सबसे पहले बात करेंगे लोकेशन की। लोकेशन जो है वो हनुमान वाटिका हीरापुरा 200 फीट बाईपास जो है, जो जयपुर शहर में अजमेर हाईवे की तरफ चलते हैं, 200 फीट बाईपास आता है, उससे मात्र 200-300 मीटर दूरी पर लोकेशन होने वाली है। इसके अलावा बात करूँ यहाँ पे कैसे कैसे चीज़ें मिलने वाली, तो देखिए, मॉडुलर किचन आपको मिलता है, JD अप्रूव्ड ये अपार्टमेंट है, लोनेबल है सभी बैंकों से, 4 BHK जैसे मैंने बताया स्पेसियस अपार्टमेंट है। इसके अलावा यहाँ पे बाथरूम फिटिंग्स कंप्लीट आपको करके दी जा रही है, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स आपको कंप्लीट यहाँ पे मिल जाती है, प्रॉपर वेंटिलेशन है हर एक फ्लैट के अंदर है, लिफ्ट है यहाँ पे, कवर पार्किंग आपको यहाँ पे मिलती है, गार्ड रूम फैसिलिटी आपको मिलती है, CCTV कैमराज फैसिलिटी आपको यहाँ मिल जाती है। इसके अलावा 24 घंटे वाटर सप्लाई की फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलती है। अब देखिए, मैं वीडियो को जो है शुरुआत करूँगा यहाँ के जो फ्रंट एलिवेशन दिखाते हैं, उसके बाद आपको कम्प्लीटली टूर कराऊंगा कि ये 4-बेडरूम स्पेसियस लग्जरियस अपार्टमेंट कैसे होने वाला है। तो चलिए कैमरा मैन जी, पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने जैसे देखा बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन कैसे क्या होने वाला है, अब आपको सभी चीज़ें दिखाएंगे, पूरा ही कंप्लीट ट्यूर करवाएंगे कैसे क्या कुछ होने वाला है। तो देखिए, जो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ये एक लॉबी होने वाली है, एक जैसे मैंने बताया अपार्टमेंट इस तरफ होने वाला है, और यहाँ पे मिल जाता है आपको लिफ्ट का प्रोविज़न, जो कि एक बार दिखाइए कैमरामैन जी, कुछ इस तरीके से शानदार तरीके से लिफ्ट का प्रोविज़न यहाँ पर दिया गया है। एक अपार्टमेंट की बात की जाए तो इस तरफ मिलने वाला है, और एक जैसे मैं सामने की तरफ खड़ा हूँ एक अपार्टमेंट आपको यहाँ मिलने वाला है। आज हम लोग इसी अपार्टमेंट का टूर करने वाले हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने एंटर किया यहाँ पे, जैसे आपने देखा था कि यहीं मैं बैठा था, तो ये एक ड्राइंग एरिया का स्पेस है, काफ़ी ही लविस तरीके से इसको बनाया गया है और काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको डेवलप किया गया है। इस तरफ देखेंगे पीछे की तरफ, तो प्यारा सा वॉलपेपर का वर्क और सीनरी का वर्क काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसमें यहाँ पे आपको दिखाई देने वाला है। प्यारी सी एक टेबल भी यहाँ पे लगा के दी गई है, और प्यारे प्यारे से सोफे आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक ड्राइंग एरिया के सामने की तरफ हम बात करेंगे, तो यहाँ पे मिल जाता है आपको TV पैनल का स्पेस, जो कि वुडन का काम किया गया है, प्यारे तरीके से सनमाइका जो कि कॉम्बिनेशन के हिसाब से यूज़ यहाँ पे की गई है। देखते हैं यहाँ, तो यहाँ पे भी आपको फॉल्स रिंग और बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर फैंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लुक देने वाले हैं। और इस तरफ देखते हैं तो वुडन का प्यारा सा फ्रेम वर्क करके काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन इसको भी यहाँ पे करके दी गई है। देखिए, यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम, तो यहाँ पे आपको एक सेपरेटली डाइनिंग का स्पेस मिलने वाला है, जो कि अभी 6 सीटर तक इसको आप जो है बढ़ा सकते हैं। अभी 4 सीटर यहाँ पे दिया गया है आपको, जो कि देखिए आप टेबल और जो डिज़ाइन है काफ़ी खूबसूरत तरीके से आपको दी गई है। और इस तरफ देखते हैं तो प्यारा सा वॉलपेपर कवर का आपको दिखाई देने वाला है, और कुछ डिज़ाइनर लैंप्स और डिज़ाइनर
जो है चीज़ें यहाँ पे लगा के इसको काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। एसी फिटिंग की बात की जाए, हर जगह जहाँ जहाँ नीड है एसी फिटिंग आपको मिलने वाली है। और थोड़ा सा इस तरफ आगे दिखाइए, कुछ कटलरी वगैरह रखने के लिए यहाँ पे काफ़ी एक वुडन का स्पेस आपको बना के दिया गया है, जो कि काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे होने वाला है। और ये ठीक डाइनिंग के सामने फुली मॉड्यूलर किचन आपको मिल जाता है, जो कि एल शेप में और काफ़ी स्पेसियस किचन यहाँ पे डिज़ाइन करके दिया गया है। वेंटिलेशन के लिए परफेक्ट विंडोज़ आपको इसमें मिलती है। और बात की जाए यहाँ पे रैक्स वगैरह की, तो काफ़ी अच्छे सनमाइका के डिज़ाइन के साथ आपको रैक्स मिलती है। चिमनी जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेपरेटली चिमनी भी आपको लगा के दी गई है। और इस तरफ आपके बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए आपको एक स्पेस भी मिलता है। और किचन के ठीक इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे ग्लास लगा के काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ पे भी इसमें करके दी गई है। अभी देखिए ये एक जो है ठीक इसके सामने की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक वॉशरूम मिलता है, जो कि कॉमन वॉशरूम होने वाला है। और कॉमन वॉशरूम के टाइल्स वगैरह देखिए आप खुद देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ की गई है, फुली वेंटिलेटेड है और वेस्टर्न सीट यहाँ पे लगा के दी गई है। तो अभी हमने जो कवर किया ये किया हमने डाइनिंग ड्राइंग और किचन हमने कवर किया। तो एक बार इधर की तरफ से वापस आइए तो हम फर्स्ट बेडरूम जो इधर से होने वाला है वो कवर करते हुए हम चलेंगे। फोर्थ जो चारों बेडरूम उनको कवर करेंगे फिर अपन। तो देखिए बेडरूम साइजेस की बात करूँ मैं तो बेडरूम साइजेस लगभग 13x13, 13x14 ऐसी साइजेस बेडरूम के यहाँ पे मिलने वाली है। इसमें देखिए आप किंग साइज़ बेड लगा हुआ है, उसके बाद में भी काफ़ी स्पेस आपको अच्छी तरीके से बच जाता है। और यहाँ पे आपको वुडन का यहाँ पे आप दिया गया कबर्ड्स और ऊपर की तरफ होल सीलिंग का भी एक बार लुक दिखाइए, और साथ में जो लैंप्स वगैरह है उनको भी एक बार फोकसली करके एक बार दिखा दीजिए कैमरामैन जी। वेंटिलेशन के लिए बात की जाए तो यहाँ पे परफेक्ट आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाता है। और यहीं हम बात करें अगर बालकनी की, देखिए मास्टर बेडरूम की तरह डिज़ाइन किया गया है तो बालकनी भी होनी अनिवार्य है। तो यहाँ पे आपको बालकनी का स्पेस आपको मिल जाता है ये कुछ इस तरीके से। यहाँ पे भी बात की जाए तो वाटर टैंक वाटर पॉइंट आपको दिया गया है, इसमें कुछ वॉशेबल एक्टिविटीज़ अगर आप करना चाहें इजीली आप यहाँ पे वॉशेबल एक्टिविटीज़ भी कर पाएंगे। अब हम देखते हैं आगे की तरफ और कैसे क्या चीज़ें बनी हुई है। तो जैसे मैंने बताया मास्टर बेडरूम है ये, तो मास्टर बेडरूम के हिसाब से आपको यहाँ पे अटैच एक वॉशरूम भी दिया गया है। वो कैसे क्या कुछ होने वाला है वो भी एक बार देख लीजिए। देखिए स्पेशियस वॉशरूम, स्पेशियस बेडरूम, स्पेशियस फ्लैट कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करके दिए गए हैं। इसमें भी टाइल्स का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, वेंटिलेशन का पूरा परफेक्ट ध्यान यहाँ पे भी रखा गया है। अब हम बढ़ेंगे, देखिए बेड वगैरह की डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लुक देने वाली है आपको। अब बढ़ेंगे सेकेंड बेडरूम में। बेडरूम साइजेज जैसे मैंने आपको बताया लगभग 12x13, 13x13 इस प्रकार की कुछ साइजेज आपको मिलने वाली है। ये बेडरूम आपको अगेन एक बेडरूम मिलता है, इसमें भी देखिए एसी फिटिंग आपको मिल जाती है, ऊपर की तरफ होल सीलिंग का प्यारा सा लुक आपको मिलता है, लैंप्स वगैरह की प्यारी प्यारी डिज़ाइंस दी गई है और सीनरी की भी बहुत प्यारी प्यारी डिज़ाइंस आपको यहाँ पे मिलती है। इस तरफ विंडो का प्रोविजन मिल जाता है जिससे कि वेंटिलेशन परफेक्ट आपको हमेशा बना रहे। दो बेडरूम हमने कवर किए, अब हम डायरेक्टली चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ, वो कैसे क्या कुछ होने वाला है वो भी हम देख लेते हैं। आइए ये आ जाता है इसका थर्ड बेडरूम, अगेन 13x13 की साइज़ में थर्ड बेडरूम मिलता है और इसमें प्यारा सा गोल्डन थीम में वॉलपेपर आपको मिलता है। और ऊपर की तरफ बात की जाए तो फॉल सीलिंग का यहाँ पे भी प्यारा सा वर्क आपको करके दिया गया है। एसी फिटिंग यहाँ पे भी मिल रही है आपको और कबर्ड्स के स्पेस यहाँ पे भी वुडन के कबर्ड्स का काम आपको यहाँ पे करके दिया गया है। वेंटिलेशन के लिए परफेक्ट आपको इस तरफ विंडो मिल रहा है और अगेन आपको यहाँ पे एक स्पेसियस बालकनी जो कि फ्रंट देखती हुई बालकनी आपको मिलती है। वैसे तो मैंने आपको बताया नहीं, दोबारा बताता हूँ आपको, ये कॉर्नर जो है होने वाला है, ये अपार्टमेंट कॉर्नर अपार्टमेंट है। और ये देखिए सामने जो पुलिया देख पा रहे हैं ये 200 फीट जो बाईपास वाली जो पुलिया थी ये वही पुलिया होने वाली है, यानी मात्र अजमेर रोड से वॉकिंग डिस्टेंस पे 200 फीट से वॉकिंग डिस्टेंस पे ये अपार्टमेंट आपको होने वाला है। अब हम बढ़ते हैं इसकी जो फोर्थ बेडरूम है उसकी तरफ बढ़ते हैं, कैसे क्या होने वाला है। देखिए स्पेसियस बेडरूम आपने देखे, काफ़ी अच्छी तरीके से बना अपार्टमेंट है। खरीदने के लिए मैंने जैसे बताया कॉल कर लीजिए आप, नंबर मैंने दे दिए हैं। ये आ गया इसका फोर्थ बेडरूम, साइज़ मैंने शुरू से बता दी बेडरूम्स के आपको, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कुछ डिफरेंट होने वाला है। वो यह है एक प्यारा सा बेड यहाँ पे लगा हुआ है, दोनों तरफ सीनरी का काम किया हुआ है, लैंप्स की प्यारी सी डिज़ाइन है, फुल सीलिंग की प्यारी सी डिज़ाइन है। ये भी एक मास्टर बेडरूम की तरफ डिज़ाइन किया गया है। कबर्ड्स का फुली स्पेस इसमें यहाँ पे दिखाया गया है आपको, जो कि देखिए एक बार पूरा ही कंप्लीट आपको करके यहाँ पे दिया जाने वाला है। और वॉशरूम इसमें भी अटैच वॉशरूम दिया गया है। देखिए स्पेसियस वॉशरूम है, टाइल्स का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। तो कुछ इस तरीके से आपने देखा काफ़ी खूबसूरत बने हुए अपार्टमेंट्स। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखिए साइजेस मैंने आपको बता दी है,
लगभग 1565 से लेके 905 स्क्वायर फीट तक की साइजेज आपको यहाँ पे मिलती है। लोकेशन मैंने आपको जैसे बताया ZD अप्रूव्ड है। अधिक जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए क्योंकि वहाँ पूरी डिटेल्स आपको दे दी जाती है। नंबर मैंने दे दिए हैं कॉल करने के लिए, लेकिन मैं अगेन कहूँगा चैनल पर नए हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रेट्स की बात की जाए 60 लाख से लेके 65 लाख के बीच की रेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए जैसे मैंने बताया कॉल कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।